हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। लॉकडाउन लगने की वजह से काफ़ी सारी फिल्मों की जो रिलीज डेट थी उन पर काफ़ी बुरा असर देखने को मिला। सूर्यवंशी जो थी वो मार्च में रिलीज होने वाली थी, जिसका अभी तक पता नहीं चला कि कब रिलीज होगी। इसके अलावा सलमान खान की राधे ईद पर रिलीज होने वाली थी, इसका भी अभी पता नहीं है ये कब रिलीज होगी। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी फिल्म थी उनकी रिलीज डेट को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हो रहा है कि आखिर रिलीज कब जा करके होंगी। हालांकि अनलॉक वन होने के बाद फिल्मों की शूटिंग बेशक शुरू हो चुकी है दोबारा, लेकिन अभी थिएटर्स नहीं खुले हैं। थिएटर को खोलने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है प्रॉपर तरीके से। तो अभी तक किसी भी फिल्म की रिलीज डेट जो है वो कंफर्म नहीं हुई है। हालांकि OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में रिलीज हो रही हैं तो उनको रिलीज़ किया जा रहा है। जैसे गुलाबो सीता वो है, वो ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म पर Amazon Prime पर रिलीज़ की जा रही है। तो कई और ऐसी फिल्में हैं, छोटे छोटे बजट की फिल्में, जिन्हें OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जा रहा है। लेकिन बड़ी फिल्मों के लिए थिएटर्स का ही रुख करना पड़ेगा, ऐसा मेकर्स का मानना है। वो यही सोच रहे हैं कि हम अपनी फिल्मों को थिएटर्स पर ही रिलीज़ करें। तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है सलमान खान और रणबीर कपूर को लेकर। दरअसल सलमान खान ने रणबीर कपूर पर एक बहुत ही बड़ी मेहरबानी की है, और वो मेहरबानी ये है कि सलमान खान पीछे हट गए हैं रणबीर कपूर के साथ क्लैश करने में। हाल ही में हमने आपको ये चीज़ बताई थी कि रणबीर कपूर का और सलमान खान का साल 2020 के क्रिसमस पर बहुत ही बड़ा क्लैश देखने को मिलने वाला था राधे और ब्रह्मास्त्र के बीच में। लेकिन अब ये क्लैश टलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सलमान खान ने ये रिलीज डेट छोड़ दी है। अब खबरें आ रही हैं कि रणबीर कपूर की ही फिल्म ब्रह्मास्त्र जो है वो क्रिसमस पर रिलीज हो सकती है, और सलमान खान दिवाली पर अपनी फिल्म राधे लेकर के आएंगे। और राधे जो है वो एक कॉप ड्रामा फिल्म बताई जा रही है। फिल्म में सलमान खान जबरदस्त एक्शन करते नजर आएंगे। प्रभु देवा के डायरेक्शन में ये फिल्म बन रही है। हालांकि अभी फिल्म का कुछ वर्क बचा हुआ है जिसको अभी पूरा करना बाकी है। इसको पूरा करने के बाद ही फिल्म के पोस्टर्स और फिल्म के ट्रेलर की अनाउंसमेंट की जाएगी। लेकिन ये फिलहाल बड़ी खबर आ रही है कि सलमान खान ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। सलमान खान ने रणबीर के साथ क्लैश अपना टाल दिया है, क्योंकि अगर सलमान और रणबीर कपूर का क्लैश होता तो बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़ी जंग देखने को मिलती। और जिस तरीके के अभी हालात बने हुए हैं, उस टाइम पर अगर फिल्में जितने ज़्यादा कमाई करें उतना ही अच्छा है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है लॉकडाउन के चलते। कोरोना वायरस की इस महामारी में फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि 1,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान झेलना पड़ गया है अभी तक। वहीं इस नुकसान को रोकने के लिए क्लैशेस, बड़ी बड़ी फिल्मों के क्लैशेस को जितना रोका जाए वो बहुत ज़रूरी है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ये क्लैश नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में खबरें आ रही हैं कि सलमान खान पीछे हट गए हैं, अब वो रणबीर कपूर के साथ क्लैश नहीं करेंगे, वो दिवाली पर अपनी फिल्म राधे लेकर के आएंगे। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर के साथ अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, मौनी रॉय जैसे स्टार्स नजर आने वाले हैं। वहीं राधे में सलमान के साथ दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा जैसे स्टार्स नजर आएंगे।